गाइस देख सकते हैं हम बना अभी मछली धो रहे हैं फर्स्ट टाइम अभी जिंदा मछली सही गाइस ये मछली बिल्कुल ज़िंदा था, ज़िंदा इसे काटा गया क्योंकि ज़िंदा मछली ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप बर्फ वाला लीजिएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो इसीलिए ये ज़िंदा मछली और कितना बड़ा बड़ा है और बहुत ही अच्छा। फर्स्ट टाइम हम बनाने वाले हैं तो पता नहीं मैं ऐसे कैसे बनेगा, लेकिन कोशिश करूँगी मैं अच्छा बनाने का। तो पहले मैं इसे धो लेती हूँ अच्छी तरह से क्योंकि इसका सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप मछली लाए उसको अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। वैसे देख सकते ये भोटी है जो मैं हाथ पे देख रही है, उसको भोटी का जो ब्लैक ब्लैक वो हटाना पड़ता है तभी आप मछली को अच्छी तरह से धो सकते हैं। तो गाइस अभी हम मछली का भोटी भूज रहे हैं, तो कैसे भूजते हैं तो चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। मेरे बाल में लगा है ऑयल और फेस लग रहा है पूरा बीमार। गाइस फाइनली भोटी मछली का भोटी है और उनको भूज गए हैं। थोड़ा सा खा के देखे, फर्स्ट टाइम ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है ये खाने में लगता है। तो मैं सोची क्यों ना मैं ऐसे भूज लेती हूँ थोड़ा सा खा। तो भूजना मैं स्टार्ट कर दी हूँ तेल में, पता नहीं अच्छा बन रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। और मछली हमारा भी हो चुका है, अभी इसमें ऐड करने वाले हैं हल्दी। अभी मछली पे देने वाले हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी देके ही भूजना है इसको अच्छी तरह से, छानना है तेल पे। तो अभी हल्दी ले लेते हैं सबसे पहले। तो हम हल्दी ले आए हैं और इसको डाल देंगे। फाइनली मैंने मछली पे हल्दी दे दी, अभी मछली छकाने वाला है, मस्त लग रहा है अभी मस्त। आज संडे है, संडे को बनेगा मछली, तो देखते हैं आज का टेस्टी मछली कैसे बनने वाला है। मेरा बाल में तेल लगा के मैं पूरी तरह से मरीज दिख रही हूँ। तो अभी तेल गर्म हो रहा है, अभी छकाने वाला है। टन टन मछली अभी बन रहा है, मुझे इंतजार से मतलब मैंने करते जाकर अभी खाते हैं। तो इसी मार्केट से मंगाएंगे, क्या टेस्टी भुजा हुआ मछली जी कर रहा मैं सारा खा जाओ। गाइस देख सकते हैं मेरे चावल और चिकन बहुत टेस्टी थे, चिकन नहीं सॉरी मछली, मछली मछली बन गया। तो यहाँ पर है दही चिकन के साथ। वाह क्या टेस्टी है। गाइस दिन पे मैं मछली वछली खाने के बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी थकी हुई थी, मैं सो रही और सो के अभी जस्ट उठी हूँ, हाथ धो के मैं भी खा रही हूँ आम, जो आम का सीजन है भी नहीं, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। शाम के टाइम आम खाने में बहुत ही मीठा है, तो आज हम लोग आपको